दोस्तों नमस्कार। आज 6 जुलाई सन 2022 आज के विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बाजार के सितारों में आपका राशिफल, एग्रो कमोडिटीज़ में होने वाली संभावनाएं, शेयर बाज़ार में क्या संभावना हो सकती है, साथ साथ नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या हलचल बन सकती है। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। दोस्तों भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती हैं 3 राशियाँ, 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन मुफीद या अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकने की संभावना बन रही है। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, यह है पृथ्वी तत्व की 3 राशियाँ मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, यह है वायु तत्व की राशियाँ। आज आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है, सितारे आपके संभवतः अनुकूल नहीं हैं। 4, 8, 12 जी हाँ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रहे हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। आज पूरा दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहने की संभावनाएं बन सकती हैं। कैस्टर सीड में कमजोरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, अतिरिक्त सावधानी रखिए। गवार सीड के अंदर उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट की संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। जीरा निचले स्तर के ऊपर बाउंस बैक होने की संभावना प्रबल नज़र आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जीरे की मांग तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि सीरिया और अफगानिस्तान के जीरे का जो आने का जो भय था वो भी लगभग समाप्ति की और है, और चाइना से कभी भी यानी चीन से भी जीरे की मांग बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसको देखते हुए जीरे के अंदर तेज़ी की संभावना बनती है। गौरतलब है इस साल जीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात में जीरे की बहुत कम बिजाई हुई है और इसका असर बाज़ारों में पड़ सकता है। राजस्थान के अंदर भी जीरे की उत्पादन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। इन सब को देखते हुए जीरे के अंदर अच्छी तेज़ी बनने की आगे संभावना भी बन सकती है। तो दोस्तों ये था कृषि उपज पर आज का आकलन। अब हम चर्चा करते हैं शेयर बाज़ार पर क्या संभावना है। शेयर बाज़ार के अंदर कल भी हमने आपको तेज़ी की बात कही थी, जो कि अक्सर सत्य साबित की। आज शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव बाज़ार के बीच में तेज़ी की संभावनाएं अधिक नज़र आ रही हैं। आज आप नज़र रख सकते हैं पेंट इंडस्ट्री के दिग्गज एशियन पेंट पर तेज़ी नज़र आ रही है, साथ साथ पिडिलाइट इंडस्ट्री के ऊपर भी तेज़ी नज़र आ सकती है। गौरतलब है कि कच्चे तेल में कल बड़ी भारी गिरावट दर्ज हुई, जिसका असर पेंट इंडस्ट्री पर पड़ सकता है और उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होने से ये उनके लिए मुफीद हो सकता है। अतः एशियन पेंट, पिडिलाइट इंडस्ट्री के ऊपर नज़र रखनी उचित रहेगी। इसके अतिरिक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति पर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी तेज़ी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर पर रखिए नज़र, इस पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, इस पर भी नज़र रखी जा सकती है। ये था आज का शेयर बाज़ार का अपडेट। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर आज बुलियन के अंदर तेज उतार चढ़ाव की संभावनाएँ बन सकती है, विशेष ख्याल रखें। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। All the very best. Good luck. Happy trading.